कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा या फिर ऐश्वर्या राय, इन सभी एक्ट्रेसेस ने अपनी शादी में सोजत की मेहंदी लगवाई। सोजत राजस्थान की पाली जिले की एक तहसील है जिसे मेहंदी नगर भी कहते हैं। यहाँ की मेहंदी दुनिया के 130 देशों में बिकती है। इसका एक बड़ा पैकेट 700 से 800 रुपए में मिलता है, जो आम मेहंदी से 7 गुना ज्यादा महंगा होता है। जोधपुर का मिर्ची वड़ा, पाली का गुलाब हलवा, ब्यावर का घेवर और सोजत की मेहंदी दुनिया भर में जानी जाती है। कम बारिश में पैदा होने वाला मेहंदी का पौधा तो राजस्थान के कई इलाकों में उगता है, फिर सोजत की मेहंदी में ऐसा क्या खास होता है कि इसकी इतनी डिमांड रहती है? ये सवाल हर किसी के मन में आता है। इस बात का जवाब खुद सोजत के कारोबारी देते हैं। वो क्लेम करते हैं कि सोजत की मेहंदी ही असली मेहंदी होती है, जिसे उगाना कोई हंसी खेल नहीं है, और इसी वजह से ये खास होती है। दुनिया की सबसे मशहूर इस मेहंदी के बारे में जानने के लिए हमें चलना होगा सोजत सिटी में। पाली से करीब 40 किलोमीटर दूर बसे सोजत शहर की फिजाओं में मेहंदी की खुशबू आती है। यहाँ पर देश की सबसे बड़ी मेहंदी मंडी है। सोजत के इतिहास की बात करें तो सूकड़ी नदी के किनारे बसे इस शहर को पुराने जमाने में ताम्रावती के नाम से जाना जाता था। बाद में राजा त्रवण सेन की बेटी सोजत सेजल को देवी का अवतार मान के उनके नाम पर इस शहर का नाम सोजत रखा गया। यहाँ आज भी सेजल माता का मंदिर है, लेकिन सोजत प्रसिद्ध है अपनी मेहंदी के कारण। कहते हैं कि सोजत की मिट्टी में ही कुछ खास बात है, तभी तो कम बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर वर्ल्ड क्लास मेहंदी की पैदावार होती है। दोस्तों, सालों पहले सोजत और उसके आसपास के गांवों में मेहंदी की फसल उगाना शुरू की गई थी। अब किसान बताते हैं कि मेहंदी की कटाई के बाद उसकी जड़ों को जमीन में ही छोड़ दिया जाता है, और ये जड़ें जल्दी से नहीं सूखती, इसलिए 40-40 साल पुरानी जड़ें भी जमीन के अंदर रहती है। और मज़े की बात तो ये है कि हर साल उन्हीं से ही मेहंदी की नई फसल तैयार हो जाती है। इस मेहंदी को उगाने का ये मज़ेदार प्रोसेस आप भी देखिए। तब तक मैं अपनी मेहंदी पूरी कर लेती हूँ। सोजत सिटी के चारों तरफ 150 किलोमीटर के दायरे में मेहंदी की खेती होती है। इसके लिए पहले बीज बोया जाता है और बारिश का इंतजार किया जाता है। इस मेहंदी को उगाने के लिए किसी तरह के केमिकल और यूरिया का इस्तेमाल नहीं होता, ना यहाँ पर सिंचाई की जाती। ये पूरी तरह ऑर्गेनिक होती है और सिर्फ बारिश के पानी से उगती है। असली मेहनत का काम होता है मेहंदी की कटाई। मेहंदी को औजारों से ऐसे काटना होता है कि ऊपर का भाग कट जाए और जड़ें जमीन में रह जाए। इसकी कटाई के लिए भी खास तौर पर मजदूरों को ट्रेनिंग दी जाती है, वरना हाथ कटने का पूरा चांस रहता है। दोस्तों, सोजत की मेहंदी इतनी खास होती है कि राजस्थान के लोक गीतों में भी इसका जिक्र होता है। वैसे तो सिंचाई केमिकल इसमें कुछ भी नहीं लगता, लेकिन इसकी कटाई काफी ज्यादा मुश्किल होती है और बहुत महंगी होती है। एक मजदूर 2 घंटा काम करने के लिए 2000 रुपये लेता है कटाई के दिनों में। कटाई के बाद मेहंदी को मंडी में भेजा जाता है, लेकिन मंडी से भी इसे हर कोई नहीं खरीद सकता, बल्कि जिस फर्म के पास लाइसेंस हो सिर्फ वो ही इसे खरीद सकते हैं। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले पत्तियां, बीज और तने को अलग अलग किया जाता है। इसके बाद क्रशर से पत्तियों का चूरा बनाया जाता है और फिर इस चूरे को ग्राइंडर से पीसा जाता है और छान कर अलग अलग पैकेट्स में मेहंदी को पैक किया जाता है। कैटरीना की शादी में 20 किलो मेहंदी पाउडर और 40 डिब्बे मेहंदी के कोण सोजत से भेजे गए हैं। ये मेहंदी खास तौर पर तैयार की गई थी। वैसे तो मेहंदी को एक बार छाना जाता है, लेकिन कैटरीना और बाकी एक्ट्रेसेस के लिए इन्हें 3-3 बार छाना गया ताकि मेहंदी लगाने में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, ट्यूबवेल से अगर पानी दिया जाए ना तो साल में 3 फसल हो सकती है मेहंदी की, लेकिन सोजत की असली मेहंदी उगाने के लिए सिर्फ बारिश के पानी का यूज किया जाता है ताकि रंग अच्छा आए, क्योंकि ट्यूबवेल के पानी से सींची हुई मेहंदी का रंग अच्छा नहीं आता। सोजत की मेहंदी की पत्तियों में खास तरह का पिगमेंट होता है जिससे मेहंदी अच्छी रचती है। यहाँ के कारोबारी दावा करते हैं कि मेहंदी के पत्तों को पीस कर वो असली मेहंदी तैयार करते हैं। तो फिर हम ये कौन सी मेहंदी लगाते हैं? मेहंदी कारोबारी बताते हैं कि बाजार में मिलने वाले आम मेहंदी कोण बनाने के लिए मेहंदी के पत्ते नहीं, बल्कि मेहंदी के बीजों की लुगदी बनाकर उनमें केमिकल मिला दिया जाता है। इस तरह से नकली केमिकल वाली मेहंदी से रंग जल्दी आता है और वो सस्ती भी होती है। असली और नकली में फर्क रंग का ही होता है।
असली मेहंदी लगाने के 2 घंटे बाद रंग छोड़ती है, जबकि नकली मेहंदी तुरंत कलर देती है। कैटरीना कैफ के लिए तैयार की गई मेहंदी के कोण में लौंग, नीलगिरी और टीट्रे नेचुरल ऑयल्स डाले गए थे ताकि बिना केमिकल के भी अच्छा रंग आए। सेलिब्रिटीज के लिए ऐसे ही कोण यहाँ से भेजे जाते हैं। दोस्तों, सोजत की इस मेहंदी को बालों में भी लगा सकते हैं। इन मेहंदियों की पत्तियों का इस्तेमाल दवा बनाने में भी होता है। इसका तेल बीमारियों के इलाज में काम आता है। कुल मिलाकर सोजत की मेहंदी ने दुनिया भर की दुल्हनों के हाथ ही नहीं बल्कि इस शहर के नाम में भी रंग भर दिया है। इसीलिए तो इस मेहंदी को GI टैग भी मिल चुका है। GI टैग उन चीज़ों को मिलता है जो किसी खास एरिया में तैयार होती है, उनके अलावा और कहीं नहीं। राजस्थान में बीकानेरी भुजिया, बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट जैसे 16 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिल चुका है, जिनमें सोजत की मेहंदी भी शामिल है। मेहंदी के अलावा सोजत में एक खूबसूरत तालाब, एक किला और एक सुंदर मंदिर भी है। यहाँ पर हर साल अरबों रुपए का कारोबार मेहंदी के जरिए होता है। दोस्तों, मेहंदी बनाना ही नहीं, मेहंदी लगाना भी बहुत मुश्किल काम है। देखिए, मेरी मेहंदी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। वैसे राजस्थान के खूबसूरत रिजॉर्ट, यहाँ का लाजवाब खाना, सुंदर पोशाकें और सोजत की मेहंदी राजस्थान को एक परफेक्ट वेडिंग डेस्टिनेशन बनाते हैं। वेडिंग सीजन के अलावा यहाँ की मेहंदी की डिमांड सावन के महीने में भी खूब रहती है। सोजत की मेहंदी अब ऑनलाइन भी बिकती है। मेरी मेहंदी तो कब पूरी होगी और इसका कलर कैसा आएगा ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, सोजत की मेहंदी पर बने इस वीडियो ने रंग जमाया या नहीं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और आपके इलाके की कौन सी चीज़ फेमस है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताएं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर टॉपिक को कवर किया जा सके जो आपने बताया है, लेकिन कुछ वक्त लग सकता है। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर लें। सोजत की मेहंदी के बारे में दुनिया जान सके इसलिए इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।